पर मिनी इंटरव्यू। हाँ बेब्स, इंटरव्यूज भी कौन सी बड़ी चीज है, एंड ऑफ कोर्स सब लोग जानते हैं, तुझे तो इतनी फेमस हो गई है, सो इट्स अ बिग थिंग यार। और कितने नए-नए केटरिंग के ऑर्डर आ रहे हैं ये नई शॉप खुलने के बाद। ले कमाल है, अरे खुश होने की बात पे तू घबरा रही है। मिनी मुझे सच में बहुत घबराहट हो रही, तू मेरे हाथ हाथ पे देख कैसे ठंडे पड़ गए। तो बेब्स इसमें नई बात क्या है, तू तो हर इम्पोर्टेंट चीज से पहले ऐसी नर्वस हो जाती है बेब्स। अरे दादी अम्मा आपको पता है एनुअल फंक्शन जब होते थे ना मेरे, परफॉर्मेंस मुझे करनी होती थी लेकिन नर्वस मेरी बेब्स हो जाती थी। लेकिन आज तो इसे परफॉर्म करना है। ए मैं कोई अकेले वकेले नहीं करने वाली इंटरव्यू, तू भी रहेगी मेरे साथ में। हाँ आप बिल्कुल साथ में रहोगी, क्यों नहीं साथ में रहूंगी, मेरे बिना तो पटियाला बेब्स का सक्सेस कैसे सेलिब्रेट कर सकती है बेब्स। हाँ अब हमारे दर्शक जान गए कि आपने इतने कम समय में प्रोफेशनली आपने लिए एक अलग ही दुनिया बसा ली है। दैट्स वेरी नाइस। पटियाला की हर छोटी बड़ी स्ट्रीट्स पे आपके पोस्टर्स हैं। इनफैक्ट आपकी ये केटरिंग सर्विस पटियाला बेब्स इतनी फेमस हो रही है धीरे धीरे। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं आपकी निजी जिंदगी के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, कुछ बताइए हमें। ये मिन्नी है मेरी बेटी, यही मेरी फैमिली है। आज मैंने जो कुछ भी मुकाम हासिल किया है ना, जो भी सपने पूरे किए हैं, इन सब के लिए हिम्मत और हौसला मुझे मिनी ने ही दिया है। मिनी नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। वाओ, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। यूजुअली माएं अपनी बेटियों को प्रेरणा देती है, हौसला देती है। मिनी सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, मेरी सहेली है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। बेटी जरूर है पर माँ जैसी है। जब बचपन में मैंने इसकी उंगली पकड़ के इसे चलना सिखाया था ना, और अब मुझे पंख देकर उड़ना सिखाया है इसने मुझे। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ पे कोई मजबूत कड़ी छोड़ रहे हैं, आपके हस्बैंड के बारे में, मतलब मिनी के पापा। आई मीन आपके सक्सेस में उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन रहा होगा, राइट? नहीं, वो एक्चुअली मेरे फादर हमारे साथ नहीं रहते हैं। माय पेरेंट्स आर डिवोर्स्ड। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे पता होना चाहिए था। आई एम सॉरी। जल्दी आ, जल्दी आ। तो हनुमान सिंह जी, आप मुझे बताइए कि ये पटियाला बेब्स एक नेशनल ब्रांड बन सकता है या नहीं? आई मीन ये पूरे इंडिया में फेमस हो सकता है या नहीं? हो सकता है ना जी, बिल्कुल हो सकता है भाई। जिस तरीके से ये डॉटर मदर दोनों अपने मिले जुले एफर्ट्स कर रही है, मेहनत कर रही है, मुझे लगता है इनको कोई रोक ही नहीं सकता। तो आप तो भैया एक नेशनल ब्रांड की बात कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ इसी तरीके से इनकी मेहनत चलती रही ना, तो ये लोग इसको एक दिन इंटरनेशनल ब्रांड बना देंगे। वाओ, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच हनुमान सिंह जी। सुमित, कोई और सवाल है? मैम आई थिंक इट्स ओवर। तो शूटिंग बंद कर देते हैं। अरे ऐसे कैसे, मिनी का तो इंटरव्यू लिया ही नहीं अभी आपने। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। एनीवेज बुलाइए उसे, कहाँ है वो? मिनी? आजा मिनी, इंटरव्यू जल्दी आ तू। ओह माय गॉड, लुक एट हर, ऐसे कैसे इंटरव्यू ले सकती हूँ मैं इसका? वो बेब्स वो जनरेटर वगैरह लाने गई थी, बीच में खराब हो गया, मैं ठीक करने लग गई तो ये ऑयल ग्रीस वगैरह सब लग गया। कुछ नहीं हो, कोई बात नहीं, ये ठीक है, छोड़ दो। अच्छा एक मिनट आप रुकिए, अभी ये चेंज कर लेगी, तैयार होके आती है, बस दो मिनट रुक जाइए ना प्लीज। अच्छा बबीता जी प्लीज अंडरस्टैंड, आप इतना टेंशन मत लीजिए, आपके इंटरव्यू के वक्त इसके भी बहुत सारे शॉट्स ले लिए थे हमने, सो अलग से इनका इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जो स्टोरी हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है, इसके बिना हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। नहीं है, मिनी के बिना पटियाला बेब्स की स्टोरी कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। आप इंटरव्यू लीजिए, जैसा आपने मेरा इंटरव्यू लिया है, हनुमान सिंह जी का लिया है, मिनी का भी लीजिए आप।
अगर आपने इंटरव्यू नहीं लिया ना मिनी का, तो फिर मेरा भी डिलीट कीजिए। मुझे नहीं करना इंटरव्यू वगैरह, मुझे नहीं आना टीवी पे। आप हटा दीजिए सारा कुछ। मिनी रहेगी तभी मैं आऊंगी। चल चल जल्दी। ओफो यार बेबी, अब मुझे नहीं लग रहा कि। अरे क्या नहीं लग रहा है तुझे? ओ तुझे ना जल्दी जल्दी कर मिनी। देख अब तो अच्छे से साफ साफ हो गई ना, है ना? चला जा चल। अरे सुन ना यार बेब्स, मेरी बात तो। अरे मैं क्या सुनूं मिनी, तू तो अच्छी लग रही है। देख अच्छे से साफ साफ हो गई मेरी गुड़िया रानी। चल अब है ना, तू एक काम कर, थोड़े सा काजल लगा ले और लिपस्टिक भी लगा ले। अरे एक सेकंड यार बेब्स, तू क्यों कर रही है सब? मैं ठीक हूं ना? वैसे भी उन्हें तो चाहिए भी नहीं मेरा इंटरव्यू। ऐसे कैसे नहीं चाहिए मिनी, ऐसी बात नहीं है। वो तो लेट हो रहा था ना, इसलिए उन्होंने ऐसे बोल दिया। नहीं मिनी सच में, वो कौन थी वो जो इंटरव्यू ले रही है नीचे, क्या नाम उसका, महर? वो खुद ही मुझे बोल रही थी मिनी कहाँ है, लेकर आओ मिनी को। कब से ढूंढनी थी तुझे वो? तुझे क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? देख अगर तू नहीं गई ना तो मैं भी नहीं जाने वाली हूँ वहाँ पे। कोई इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं देना, मैं मना कर दूंगी जो भी उन्होंने लिया। नहीं एक सेकंड यार, ये कोई बात नहीं होती, ये गलत बात है भाई। माता रानी की कसम मैं नहीं जा रही। रोना बंद कर यार, ठीक है फाइन, मैं हारी तो जीती। खुश बता आप क्या करना है, लिपस्टिक लगाने काजल लगाने क्या करना है बता। हाँ आजा जल्दी से काजल लगा ले और है ना थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा लियो। पर है ना मिनी थोड़ी कम लगाना, छोटी लड़की ज्यादा लिपस्टिक नहीं लगाती है। हाँ मेरी माँ। माय गॉड लुक एट हर, ऐसे कैसे इंटरव्यू ले सकती हूँ मैं इसका? अलग से इनका इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जो स्टोरी हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है, इसके बिना हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अच्छा मिनी मैं क्या सोची थी, इस बार हम है ना पुलिस स्टेशन की जो केटरिंग है उसका मेन्यू चेंज कर देते हैं। मैं क्या सोची थी, हमारे जो पटियाला बेब्स का लोगो है, जो स्टिकर्स है, उसमें कुछ चेंज करना चाहिए ना हमें। क्या हो, तू सुन भी रही है मैं तुझे क्या बोल रही हूँ? सुन रही हो? नहीं मिनी तू नहीं सुन रही है। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है अभी तक? तू वो महर वाली बात से अभी तक नाराज है क्या? हाय हाय यार बेब, यार तू एक बात के पीछे पड़ती है ना, पड़ी जाती है लिटरली। ठीक है मैं ठीक हूँ, मैं किसी बात से नाराज नहीं हूँ, ना ही अपसेट हूँ, बस रात हो गई है, थोड़ी नींद आई, कुछ नहीं। मिनी क्या समझने की कोशिश करना, तो उस समय वो जनरेटर का अरेंजमेंट वगैरह करने गई थी ना, तो इसी बीच में उन्होंने बचा हुआ पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया। देख वो है ना बहुत अच्छे से जानती है इस बात को कि मेरी लाइफ में, मेरी स्टोरी में तेरा कितना बड़ा रोल है। तू ही तो है जिसने मुझे आत्मविश्वास दिया, तू ही तो है जिसने मेरे अंदर हिम्मत भरी, तू ही तो है जो। क्या ऐसे क्यों देख रही है, मैं गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ? मैंने सच में उसे सब सारी बातें बताई, अच्छे से बताई, डिटेल में बताई, बिना डरे सब बता दिया मैंने उसे। देख लेना तू कल। सुन मेरा कोई मूड वूड खराब नहीं ना, मैं उसके बारे में बार बार सोच रही हूँ, मैं ठीक हूँ ठीक है। हाँ मतलब ठीक है, मेरा थोड़ा सा मूड खराब हुआ था जब उसने मुझे ऐसे हाथ से रोका था। नहीं लेकिन फिर मुझे लगा, बाद में मैंने यही सोचा कि ठीक है वो बदतमीजी करे तो हम क्यों अपना मूड खराब करें, पॉइंट ऑन। हाँ मतलब अभी तेरा मूड ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे ठीक क्या बेब, मैं तो बोलती हूँ सुपर डुपर माइंड ब्लोइंग है, मैं इतनी खुश हूँ, आई एम लिटरली ऑन क्लाउड 9 यार। मतलब मेरे तो पैर नहीं पड़ रहे जमीन पर, क्योंकि आज मेरी बेब्स का इंटरव्यू लिया और कल मेरी बेब्स टीवी पर आएगी और मेरा फेमस हो जाएंगे यार। आज रात को तो मुझे नींद ही नहीं आनी एक्साइटमेंट में भी। पगली गई की, तो मुझे ना डरा ही दिया था। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.